सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। टाइम हो चुका है करीब सुबह के 8 बज रहे हैं। फ्रेश हो चुका हूँ मैं एंड बाहर बच्चे लोग स्कूल भी जा रहे हैं क्योंकि स्कूल आज खुल गया है एंड शायद क्लास 6 का भी खुल गया है, 5-6 का भी खुल गया है। तो आज शायद ज़्यादा भीड़ होने वाला है क्योंकि कुछ दिनों से तो 7 से 10 शायद था, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट ही जा रहे थे, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, बहुत कोई जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी बाहर, मतलब दुकान में चलते हैं। सो गाइस, अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ एंड अभी मैं हूँ दुकान में। क्यों हूँ इस टाइम में दुकान में? क्योंकि अभी अंकल गए हैं स्कूल, क्योंकि भाई का हाफ ईयरली का रिजल्ट देने वाला है आज, तो वही लेने के लिए गए हैं, इसलिए मैं अभी इस टाइम पे हूँ। तो ये जो घंटी बज रहा है स्कूल का ही है, जो मतलब सामने में ही है स्कूल, तो उसी का घंटी बज रहा है, इंटरवल होगा शायद। सो अभी चलते हैं वापस घर एंड यहाँ पर रुका है मूरी वाला। सो गाइस, अभी मैं आया था सामान खरीदने के लिए, लेकिन जो सामान मुझे चाहिए वो मिला नहीं मुझे। बोल रहा है कि शाम को आएगा, तो फिर शाम को शायद आना पड़ेगा एक बार और। तो खाली बैग लेके चलते हैं फिर से वापस दुकान में। सो गाइस, अभी टाइम मेरा करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं। जस्ट मैं लंच करके आ चुका हूँ अभी दुकान में एंड बाहर थोड़ा मोरा अभी धूप निकल गया, लेकिन उतना गर्मी नहीं है जैसे पहले होता था, तो अभी ठीक ठाक है। एंड अभी करीब 10 दिन हो गया होगा कि मैं घर पे ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि दुकान में ही रहता हूँ, जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया था। तो इस वजह से क्या होता है कि कंटेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि शाम को जब मैं फ्री होता था कि बाहर चला जाता था, या फिर दोपहर के टाइम भी बाहर जाता था। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे कि कई कई जगह पर मैं गया था, लेकिन अभी उतना जा नहीं पाता हूँ। लेकिन अभी जैसे भी मुझे टाइम मिल रहा है, मतलब जितना भी टाइम मिल रहा है दुकान से रह के उसके अलावा, तो वैसे ही मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ एंड उसे अपलोड भी करता हूँ। एंड उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी दुकान में रह के जितना भी टाइम मिल जाता है उससे मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो डेली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी शायद 81 डेज हो गया होगा। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद 82 या फिर 81 हो रहा होगा। वैसे वीडियोस डेली आते रहेंगे एंड जो टाइमिंग है उसी टाइम पे आएंगे, क्योंकि शाम के 3:30 बजे वाला टाइम जो है उसी टाइम में हर वीडियोस मैं लाइव कर दूंगा। सो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सुबह सुबह मैं ब्लॉग्स करूंगा, करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा एंड ब्लॉगिंग भी हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि शाम को दुकान से जाने के बाद, मतलब दुकान जब बंद हो जाता है उसके बाद इतना ज़्यादा थक जाता हूँ, इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ कि सोते ही नींद आ जाता है एंड सुबह करीब 6:30 बजे के बाद ही नींद उठता है। मतलब अब अलार्म लगा के मतलब उठने का मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा थक जाता हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कभी अगर मतलब जोश आ जाएगा कभी सुबह उठने के लिए तो रेगुलर हो जाएगा, लेकिन वो ही मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है कि मतलब कैसे स्टार्ट करेगा। एंड लेट्स सी कि कब तक मैं सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक जा सकूँ। सो गाइस, अभी मैं दुकान से निकल के अभी फील्ड आया था, साथ बच्चा लोग मतलब यहाँ फील्ड जा रहा था, तो 1 बज गया था, बोला कि मुझे वहाँ पे छोड़ देने के लिए, तो इसलिए मैं अभी फील्ड में आया हूँ। तो ये लोग अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो देखिए, अभी ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, स्टाम्प इसका, ये स्टाम्प देखिए कितना छोटा है स्टाम्प। ये सब इसको लोग को सबको पता है कि हम वीडियो कर रहे हैं, तो ये सब कमेंट्री भी कर रहा है यहाँ पे। एंड ये बाहर वाला फील्ड है एंड वो जो वॉल दिख रहा है आप लोग को, वहाँ पे अंदर वाला फील्ड है जहाँ पे मतलब पहले मैं बजाता था सुबह के टाइम वॉक करने के लिए, तो वो वाला फील्ड अंदर में, तो वहाँ पे अभी फुटबॉल हो रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं गैलरी पे, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा।
तो ये रहा, ये लोग कहाँ गया, ये सब जो बैठा हुआ ना, ये सब बैठ के फुटबॉल देख रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं हूँ इस तरफ, तो देखते हैं कि भीतर क्या हो रहा है। इस तरफ एक गेट है, वहाँ पे खुला हुआ है, तो वहाँ से शायद ज़्यादा टाइम देख लूँगा एक बार क्या हो रहा है भीतर में। आउट हो गया, एक पहला विकेट गया लोग का। अभी महेंद्र सिंह धोनी आ रहा है बैटिंग करने के लिए। ओकन को, ओकन को कौन है, ओ महेंद्र सिंह धोनी। छोटा बैट्समैन आया है बैटिंग करने के लिए, और ये अरे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच हो रहा है भीतर वाले फील्ड में। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है करीब 5 बज रहे हैं। जस्ट अभी मैं घर पहुँचा हूँ, बाहर कुछ कुछ सामान भी लाना था, तो फील्ड से आके मैं सामान उमान लेने गया था, एंड अभी जस्ट रूम पे आया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस फिर से दुकान में, चाय वाय पीऊँगा एंड फिर करीब 8 बजे आऊँगा रूम पे। सो गाइस मैंने चाय पिया नहीं था एंड अभी दुकान में ही पी लूँगा चाय। तो मैं ये केक खोज रहा था, तो मतलब कहीं मिल नहीं रहा था, तो अभी मिला मुझे यहाँ पे, तो चाय पी लेते हैं अभी दुकान में ही। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है करीब 7 बज रहे हैं एंड मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। फ्रेंड का एक चैनल है, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता है, उसका चैनल का आज हो गया 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। तो उसी का नाम पे एक छोटा सा पार्टी, पार्टी मतलब क्या, चाट हाउस में खाने वाले हैं, तो बोला कि आओ, तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो आप लोग उसके चैनल को ज़रूर चेक करिएगा, मोटल वायरस गेमिंग। तो मैं अभी चलता हूँ, लेट हो गया। सो गाइस अभी बहुत दिन बाद इस रास्ते में, करीब 10-12 दिन बाद फिर से अभी मैं आ रहा हूँ इस रास्ते में। एंड उसको फ़ोन तो मैंने कर दिया था दोस्त को, अभी वो निकला ही कि नहीं। आ रहा है हम लोग का मोटल वायरस गेमिंग का मालिक, ओनर आ रहा है, मोटल वायरस गेमिंग का ओनर। सब्सक्राइबर से कम हो गया था, मेरा खाता निकाल के दे। ये 50 सब्सक्राइबर का पार्टी देने के लिए हमको बुलाया है, इतना बिजी शेड्यूल में से भी हम अपना टाइम निकाल के आया है। सो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूं घर एंड अभी टाइम हो रहा है करीब 7:21 ही हो रहा है। एंड 20 मिनट में मैं जाके फ्रेंड को लेके खा पी के भी आ गया मैं, तो चाट हाउस गए थे हम लोग, तो वहाँ पे जाके खा पी लिया। तो अभी करते हैं दुकान को बंद 10-15 मिनट में एंड फिर चलते हैं रूम पे। सो गाइस अभी हो गया है दुकान बंद, तो अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ रूम पे। अभी चल मतलब अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होके फिर ब्लॉग का एडिट करेंगे एंड उसको अपलोड भी करना है। तो चलते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा थक गया आज, डेली थक जाता हूँ, लेकिन हाँ डेली थक जाता हूँ, डेली नहीं मतलब हमेशा ही हो जाता है ऐसा, क्योंकि दुकान में ज़्यादा काम रहता है। सो कैसे भी टाइम हो रहा है करीब 9:15 हो रहा है एंड जस्ट मैं डिनर करके अभी आ चुका हूँ रूम पे एंड वीडियो भी अपलोड हो गया है, वीडियो अपलोड भी हो गया है। तो कल शाम 3:30 बजे वीडियो लाइव हो जाएगा। तो अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ। सो गाइस अभी जस्ट मैं सोया हुआ ही था एंड अभी अंश मेरे साथ रूम पे आ गया है, थोड़ी देर मुझे इसका ध्यान रखना है। एंड इसका यहाँ पे चोट लग गया, देखिए यहाँ पे आँख पे टीट 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 टीट। इसको खेलने के लिए बोतल दे दिया अभी, इसलिए चुपचाप है, नहीं तो अभी हमको तंग करके। मत खोलो इसको, सो जाओ सो जाओ। पेंट फटा हुआ है, पेंट फटा हुआ है।
हंस दांत निकल गया हंस का भी एक एक ऊपर में दांत दिखाओ जीभ दिखाओ जीभ जीभ दिखाओ तो जीभ दिखाओ थोड़ा देर अब इसका ध्यान रखना है हंस इधर इधर हंस ओए तो ये रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब सब कुछ सोने के लिए मतलब रेडी हो जाता है सोने के मतलब सोने का टाइम हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है रात को इसको नींद सब भाग जाता है क्योंकि शाम को ही सो लेता है थोड़ा तभी देखते हैं कब तक ये सोएगा।